रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सईद अल्ताफ हसन बुखारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपना विद वीआर। जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, यौम आशूर है। तो आज के दिन लोग कब्रिस्तान जाते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर जाके फूल चढ़ाते हैं और फातिहा हानी करवाते हैं। तो अभी मैं अपने वालदैन की कब्र पर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि आज कब्रिस्तान में कितना रश है और कितनी मतलब सबीले चल रही हैं वहाँ पर लंगर। तो आइए चलते हैं सीधा कब्रिस्तान की तरफ। मेरे वालद की कब्र है और साथ में मेरे चाचू और मेरे दादा हुजूर की, इस तरफ मेरी वालदा की कब्र है। तो आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे दोस्त जो कि कब्रिस्तान में आए हैं। आज मुहर्रम का दिन है, यौम आशूर है और आज बहुत ज़्यादा तादाद में लोग कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। कसीर तादाद में यहाँ पर कुरान खानी और फातह खानी हो रही है। माशाल्लाह ये सभी लगी हुई है, दोस्त पानी पी रहे हैं। सबसे खूबसूरत सीन है क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं और ये पानी पिला रहे हैं। इनकी आज ड्यूटी लगी हुई है कि आपने लोगों को पानी पिलाना है। तो आप देख सकते हैं अभी वो खुश गपियों में मसरूफ है और पानी भी पिलाते हैं। क्या खूबसूरत सीन है। इंशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा बन गया है, अब मौसम ठंडा हो गया, जो गर्मी की शिद्दत थी वो टूट चुकी है। अब ये लंगर हुसैन को बनाने वाले भी बना रहे हैं, सैयद किबरिया बुखारी है और ये हैं मुमताज़ हैं, ये शरबत तैयार कर रहे हैं और अपने ये जूस बनेगा। अच्छा ये जूस तैयार हो रहा है और अब चूँकि ये मसाले वगैरह कटे जा चुके हैं, टमाटर और चावल भी ये लंगर वाले पड़े हैं और बाकी दो देंगे तैयार हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल रेडी है और ये भी रेडी हो चुका है। तो लंगर माशाल्लाह से सुबह से चल रहा है। अब तकरीबन टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हो गया मुजीब, टाइम क्या हुआ है? एक आठ। कितने बजे स्टार्ट किया था ये?
9 बजे से? 9 बजे, हाँ जी 9 बजे से अभी 1 बजे तक बिल्कुल बराबर चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और बरकत भी बड़ी है माशाल्लाह, क्योंकि ये लंगर हुसैन है। छोटा बच्चा है जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक की सबील दे रहा है, बच्चा दूध पिला रहा है और पानी भी साथ साथ। ये देखें आप, इधर देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने सबील लगाई हुई है। मेरा बेटा है जी, दूध बोतल ले दे, कोई दूध बोतल ले देता है सारे को लग रहे दे दे कुछ सब दूध ऐसा ना अल्लाह करे कुर्सी वाला भी आ जावे सिरे बूते पे तो खुद नहीं है ना अभी तक हम बड़े भी है जाके वीर हुसैन मौजूद हैं और लंगर माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है। अभी भी हम सबील में ही मौजूद हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि मौसम कितना ख़राब हो चुका है, स्याह काले गहरे बादल हो चुके हैं और बिल्कुल बारिश का मूड बन चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा मौसम है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। काला स्याह और बारिश का खतरा है, लंगर भी पक रहा है, ऊपर से बारिश भी हो सकता है कि आ जाए। नहीं बारिश, अब ये देख सकते हैं कितने काले स्याह गहरे बादल, बिल्कुल स्याह अंधेरा नजर आ रहा है। हो सकता है कि बारिश हो जाए। हर तरफ बिल्कुल काले स्याह गहरे बादल छा चुके हैं। ओ हाँ जी हैदर, हैदर वेख हैदर इतना सख्त, ओए अल्लाह माफ करे, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा छा चुका है, इतनी सख्त स्याह गहरी ये जड़ी हो चुकी है, बादल बड़े स्याह गहरे हो चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, इधर से लंगर का भी तैयार है और ऊपर से बारिश भी, अल्लाह माफ करे। अच्छा क़यामत वाला दिन भी 10 मुहर्रम का ही होगा गालबा, हाँ और जुमा भी होगा, लेकिन आज जुमा नहीं है। नारा तकबीर अल्लाह, ओए होए ना, फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ। बिल्कुल अंधेरा छा चुका है, आसमान बिल्कुल काले काले गहरे स्याह बादलों से ढक चुका है। कीशा जानी भैया, अच्छा ये मेरा एक भतीजा है और बाकी भांजे, और ये रहा मेरा बेटा, ये भी गिद्दड़ है। आपसे इजाज़त लेता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलामत।